जो भी हम एहतजाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरा अमन किए हैं और इसको जो है ना हम हुकूमत में हुकूमत के सामने दर्ज कराए हैं और इंशाल्लाह हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम जब भी कोई एहतजाज करते हैं तो पूरा अमन ही एहतजाज करते हैं। गुलबर्गा शरीफ में एक त्रिपुरा के मुसलमानों और वहाँ के लोगों पर जो जुल्म और बर्बरियत के शिकार बनाया गया है और वहाँ पर जिस अंदाज से, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई ज़रा बराबर भी अपने दिल में एहसास रखने वाला इंसान है तो उन मनाजिर को देख नहीं पाएगा और वहाँ जो चीज़ें हुई हैं यकीनन ये काबिले मज़म्मत है। तो गुलबर्गा में एक एहतजाजी जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया है, कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने शिरकत की और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ में लोगों ने जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की। मैं सारे लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि हम मुसलमानों को आज जिंदा दिल कौम बनने की ज़रूरत है, जिंदा दिल कौम थी, जिंदा दिल बनने की ज़रूरत है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ हमारे रसूल हैं इंशाअल्लाह। हमको बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ में आज हमारा एहतजाज रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि खुदा के वास्ते ऐसे मामलात को वो ना होने दें वरना पूरे मुल्क का अमन व सुकून ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का अमन व सुकून ख़त्म हो जाए, हम हिंदुस्तान को अमन व सुकून का गहवारा बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद है हिंदुस्तान अमन व सुकून का गहवारा बने, हर किसी को अपने ज़िंदगी गुजारने का हक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो कोई और मज़हब का फॉलो करने वाला हो, हर किसी को जो है उसको अपने मज़हब के ऊपर कायम रख के ज़िंदगी गुजारने का उसको हक है। हमारी यही तालीम इस्लाम की है, यही हमारे मज़हब की तालीम है और हम यही चाहते हैं कि हर किसी को अपने मज़हब पर जो है रहने के साथ साथ उसको ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। मैं मोहम्मद ख़याम अली, खादिम रज़ा एकेडमी शाह गुलबर्गा, आज ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि त्रिपुरा के जो आवाम के साथ जो इंसानियत बर्बाद, इंसानियत का जो कत्ल किया गया, जिस तरीके से मुसलमानों के इबादत गाहों को तोड़ा गया और जला दिया गया, कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, सर हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, इस तरीके से इंसानियत की बहुत बड़ी बहुत बड़ा कत्ल हुआ सो है। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस यहाँ पर जो है ना गवर्नर राज कायम करें और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और VHP और बजरंग दल जितने भी फिरका परस्तें
फिरका परस्त ताकतें ये तंजीमें हैं जो इनका साथ दिए हैं उन पर पाबंदी लगाएं। मुस्लिम चौक पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब कामयाब एहतजाज रहा। एहतजाज के इसे जो है ना गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम जो है ना इंसानियत का मजहब है, इंसानियत सिखाता है। और यहाँ इस्लाम में ये चीज़ तक है कि एक कीड़े को भी अगर मारा जाता है तो उस पर भी जो है ना मतलब हमको तकलीफ होती है। तो यहाँ तो त्रिपुरा में एक आम इंसानियत का कत्ल हो रहा है, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वहाँ की हुकूमत को जो है ना बर्खास्त कर कर वही मेरुंडे में हम ये मुतालबा किए हैं कि जो हमारी मस्जिद को नज़र आतिश किया गया है उसको पहले जो है ना जो जो ये करे हैं BHP वाले तो उनको जो है ना वो जो तंजीम है उसको जो है ना पहले बैन किया जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर खासकर दो कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, एक कौम मुस्लिम एक कौम दलित। इन दोनों जात वालों को टारगेट किया जा रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वो सेकुलर पार्टियां जो हमारे वोट लेने आती हैं, अगर विराट कोहली पर कोई इल्जाम लगे तो ट्वीट करते हैं, लेकिन हजारों मुसलमानों के जनाजे उठ रहे हैं, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। हमारे मुंह में भी जबान है, हम किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इसकी परमिशन नहीं देता कि तुम औरों के खुदाओं को बुरा बोलो, औरों के भगवानों को बुरा बोलो, औरों के मसीहा को बुरा बोलो। हम हुकूमत हिंद से एक गुजारिश करते हैं, जो दरिंदे त्रिपुरा में शैतानियत मचाए हुए हैं, जो मस्जिदों पर जुल्म कर रहे हैं, इनको रोका जाए। मकसद यही है, रजा अकेडमी यही चाहती है कि जहां कहीं दुनिया भर में मुसलमान, और ये गुलबर्गा की तारीख रही है कि जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो हम लोगों ने एहतजाज किया, हम लोगों ने एहतजाज किया। और ये करना ईमान की, ईमान वाले होने की अलामत है। जो कोई सरकार की शान में गुस्ताखी सुन के खामोश रहा तो यकीन जाने उसके अंदर से उसका ईमान खत्म हो जाएगा। मैं हमारे मुल्क के और उन लोगों से भी इस बात के बारे में कहूंगा कि इस वाकियात को देखकर जो खामोश है, इस वाकियात को देखकर जो खामोश है, जुल्म की बहुत ज्यादा हयात नहीं होती, जुल्म की बहुत ज्यादा हयात नहीं होती। जुल्म जब किया जाएगा तो यकीनन एक ऐसा वक्त आएगा कि जुल्म के खिलाफ अल्लाह तबारक व ताला खुद उस कौम को निस्त नाबूद कर देगा। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को निस्त नाबूद कर दे जो मुसलमानों के जुल्म खा रहे हैं, ऐसी हुकूमतों को निस्त नाबूद कर दे जो एक पर्टिकुलर किसी कौम को टारगेट बना रहे हैं। मुसलमानों, हम अपने दिल को मजबूत करें, और जब कभी ऐसा कोई मामला हो तो इंशाल्लाह हम खड़े होकर हमारे उन भाइयों के हक में जो है हम जो है आवाज बुलंद करेंगे। नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक।